ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क। उत्तर पूर्वी लोकसभा में अब तक सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हुई है और अब शाम का वक्त है। शाम के समय में वोटर्स एक बार दोबारा से बड़ी संख्या में निकले हैं, जो कि वोट देकर के आ रहे हैं वो हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। आप ये देखिए, एक बुजुर्ग महिला है जो कि व्हील चेयर पे आई है, और व्हील चेयर में जो महिला आई है उनको मैं कहूंगा एक बार दिखाने के लिए कि व्हील चेयर में महिला आई और इतनी ज्यादा एज है इनकी, उसके बावजूद भी वोट डालने का ये जो जज्बा है, ये जज्बा कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरित करता है। ये जज्बा लोगों को दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों को अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और फिलहाल हम जो हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आप वोट डाल करके अभी निकले हैं, मन में क्या मुद्दे, किसको दिया ये ना बताइए, लेकिन क्या मुद्दों पे दिया, किन मुद्दों पे वो बताएं। मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ये देश में जैसे महंगाई भी हो रखी है उसकी वजह से भी है, काफी इंसान को इतना ज्यादा मतलब सफर करना पड़ा है हर चीज से, तो उसके लिए कौन सोचेगा। तो पहले तो देश है, देखिए अगर देश बचेगा तो हम बचेंगे, तो हमने तो यही सोचा है कि अगर हमारी संस्कृति बची तो हम बचेंगे, उसको सोच के ही हमने वोट दिया। मैं वहाँ बताएं क्या सोच के दिया, मन में क्या था जब आप वोट देने के लिए गए थे। जैसे मोदी जी ने पिछले समय में जो कार्य हमारे लिए किए हैं, राम मंदिर निर्माण और बाकी 300 जो धारा हटवाई है, तो ऐसे आगे POK भी है और बहुत सारे मंदिर हैं जो हमें वापस लेने हैं, तो मोदी जी के अलावा कोई लगता नहीं कि कोई कर पाएगा। और देश के बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि पारिवारिक महंगाई, इनसे बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं, उसके लिए मोदी जी। महंगाई का मुद्दा जो लगातार विपक्ष बोल रहा था वो इस बार भी काम नहीं आया। महंगाई तो देखो अब क्या बोले, कौन से सरकार है जिसमें महंगाई आपको नहीं लगती है, बताइए। जो भी सरकार आती है वो अपना जरूर वो दिखाती है, एक बार कुछ समय के लिए महंगाई कम होती है, जैसे सिलेंडर के दाम अभी कम है लेकिन जब सरकार आती है तो फिर बढ़ जाते हैं, तो कोई भी सरकार का आप देखिए सेम है। सेम है। और लोग भी हमारे साथ में हैं। सर, क्या सोच के वोट दिया इस बार, क्या मन में था? सबसे बड़ा है वो राम को लाए है। अच्छा। राम को लाए है, इसीलिए हम राम को चुनते हैं। आप लोग तो बता ही दे रहे हैं कि किसको वोट दिया है, मोदी को। अच्छा लगे, अभी मैं और भी महिलाएं जो अभी वोट देके बाद में वोट दे दिया। अच्छा, वोट डाल दिया ना आप, तो बताइए किसको दिया वोट, क्या नहीं किसको दिया ये मत बताइए, किन मुद्दों पर दिया ये जरूर बताइए। मुद्दों पर दिया जिसपे हमने, सरकार ने हमारे को बिजली पानी मुफ्त किया है, गैस सिलेंडर पे वोट दिया, बिजली पे दिया, हम उसी को वोट देंगे, जिसकी सेवा भी उसने फ्री करवा रखी है हम लोगों को। सर, आप कहें किस क्या मुद्दे सोच करके वोट दिया गया इस बार का। मैंने तो ये कहा है जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से गरीब के घर में AC लगवाया जाए, सरकार ऐसी आनी चाहिए ताकि गरीब बंदा गर्मी से मरे ना, एक रोटी ना मिले AC तो मिले। इन दोनों सरकारों में से कोई ऐसा कर सकती है, संभव है लगता है? कोई नहीं कर सकता, ये तो मैंने बोल ही दिया, तो मैंने दिया ही नहीं है देखो। लेकिन गलत है ये, वोट जरूर देना। अरे नहीं देना चाहिए, वोट दीजिए। डेली पानी निकाला, डेली तुम्हें घोटना, ये हमारा आम आदमी का काम है। मैम आप बताए क्या सोच के वोट दिया, क्या मन में बना? मेरा जो मुद्दा है, मैंने ये सोच कर दिया कि अगर कोई भी चीज किसी को पाती है उसकी खुशी अलग होती है। जैसे कि एक मुद्दा है हमारा, हर मस्जिद को खोद कर देखो आपको मंदिर मिलेगा, हर मस्जिद को खोद कर देखो आपको मंदिर मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा खोए हुए मंदिर था, जो आज मिल रहे हैं, जो हमें आज पा रहे उसकी खुशी अलग है। पहला मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो हमारा दूसरे साइड जो कैंडिडेट जो खड़े हैं वो कह रहे हैं देश तेरा टुकड़े टुकड़े होंगे। जिस देश के टुकड़े आप करवा रहे हो, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल भाजपा के प्रवक्ता की तरह बोलने लग गए। मैं प्रवक्ता हूँ ही नहीं, मतलब नहीं। ये तो मेरी सोच है ना, ये मेरी सोच है ना, ये मेरे शब्द है। आप मेरे मुंह में, आप मेरे मुंह में किसी के शब्द नहीं डालोगे, आप किसी के शब्द नहीं डाल सकते। मैं तो BJP की बातें करेगा तो नहीं, लेकिन हमारा मंदिर हमारा इस तरीके से तो वो वाली चीजें कैसे आएंगी? क्यों नहीं कह सकते हम, क्यों नहीं कह सकते हम? क्या सोच के दिया इस बार, मुद्दा क्या रहा वोट? हमारा मुद्दा तो सबसे बड़ा श्री राम मंदिर जो बनाया है हमारे लिए, और अभी पूरी दुनिया ने उसका आई अप्रिशिएट किया ना, सारी दुनिया ने। और मोदी जी का जो नाम है, पहले इस देश को पहले जानता कौन था भाई? जब नाली कूचे के लिए थोड़ी लाना उनको, हमें नाली कूचों के लिए नहीं लाना। प्रधानमंत्री का है जी जी, ये वोट है प्रधानमंत्री का, और ये 25,000 नाली कूचों के लिए जब बात होगी जब देखेंगे हम, ठीक है ना। ये जो है आज हमारी चार दीवारी जो है ना,
हमें सबसे पहले हमारी चार दीवारी मजबूत करनी है। आप भी अपने घर के अंदर जाते हो तो सबसे पहले 9-9 इंच की दीवारें लगाते हो ताकि मेरा मकान जो गिरे ना किसी तरीके से दिक्कत। बिल्कुल देश के नाम के नाम पे वोट दिया है, जैसे निकल करके बाहर आए और भी हमारे साथ में लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम वोट दे दिया आपने, एक बार पहले दिखाएं क्या सोच के वोट दिया, क्या मांग रहे हैं? हमने देश के नाम पर ही वोट दिया है, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। देश के नाम पर ही आपने क्या सोच के वोट दिया? देश देश कोई भी मुद्दा नहीं, सिर्फ देश सर्वोपरि, देश की सुरक्षा सर्वोपरि। महंगाई बेरोजगारी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ देश की सुरक्षा और देश। आप बताएं क्या लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं, अभी देखिए जो धूप और गर्मी थी उससे कुछ संख्या कम हो गई थी लेकिन अब दोबारा से लोग अपने घरों से निकले हैं क्योंकि समय कम बचा हुआ है। और ऐसे में जो परसेंटेज है वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली की, मैं दोबारा बताना चाहूंगा, उत्तरी पूर्वी दिल्ली की परसेंटेज वोटिंग की सबसे ज्यादा है और इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यहाँ के जो वोटर्स हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह है वोटिंग को लेकर के। तभी अगर सुबह की बात की जाए तो 3 से 4 घंटे सुबह अच्छी परसेंटेज वोटिंग हुई, जब धूप हुई उस समय में कुछ लोग वोट घर को रुक गए थे, इंतजार कर रहे थे सूरज के ढलने का, कम होने का गर्मी, और जैसे ही 4 बजे के बाद का वक्त हुआ दोबारा से एक बार फिर लोग अपने घरों से निकले बड़ी संख्या में और अब दोबारा से जो वोटिंग है उसकी परसेंटेज अच्छी हो रही है। देखना यह होगा कि इस बार जो लोग वोट दे रहे हैं उनके मन की जो बात है वो पूरी हो पाती है या नहीं, इस बार क्या होगा, कौन जीतेगा, किसके सर पे जीत का सहरा बंधेगा, ये तो आने वाली 4 तारीख को ही तय हो पाएगा। हर्षित मिश्रा, दिल्ली।